Hey guys, मेरा नाम है सोनू, आप देख रहे हैं टेक मुंबई कर और आज के स्टूडियो के पास से आइवा ब्रांड की तरफ से एक नेक बैंड ईयरफोन्स और ये जो नेक बैंड ईयरफोन्स है उसे म्यूजिक एंड कॉलिंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सो अगर आप एक ऐसा नेक बैंड ईयरफोन ढूंढ रहे हैं जहां पे म्यूजिक और कॉलिंग काफी ज्यादा अच्छा हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। क्योंकि इस नेक बैंड ईयरफोन्स में आपको डुअल ड्राइवर्स का सपोर्ट देखने मिलता है, यानी दोनों ईयरफोन्स में आपको डुअल ड्राइवर्स देखने मिल जाएंगे। साथ में बैटरी लाइफ काफी अच्छी है और इसी के साथ में मेमोरी कार्ड यानी एसडी कार्ड का भी सपोर्ट आपको इस नेक बैंड ईयरफोन्स में देखने मिल जाता है। यानी अगर आपके पास एक मेमोरी कार्ड है तो आपको स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, उस मेमोरी कार्ड को डायरेक्टली आप इस नेक बैंड में पुट करके म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको इस नेक बैंड ईयरफोन्स में देखने मिलने वाली है और इस वीडियो में करने वाला हूं इस नेक बैंड ईयरफोन्स की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू और आप सभी को बताऊंगा कि ये नेक बैंड ईयरफोन्स कैसा है और क्या आप सभी को इसे बाय करना चाहिए या फिर नहीं। एंड इतना ही नहीं, मैं इस नेक बैंड ईयरफोन्स का गिव अवे भी कर रहा हूं, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखते रहना। गिव अवे के लिए रूल्स आपको वीडियो को एंड में बताने वाला, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखते रहना, साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर तक आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ आइवा नेक बैंड ईयरफोन्स। सो गाइस, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस ब्रांड के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। तो आइवा जो ब्रांड है वो एक जापानीज ब्रांड है जो कि नेक बैंड और TWS से बहुत सारे ऑडियो प्रोडक्ट बनाता है और ये उनका वन ऑफ द प्रोडक्ट जो कि काफी अच्छी पैकेजिंग के साथ में आता है, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। और सबसे पहले यहां पे स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से एंड इसके बाद में मैं आपको इसके बारे में सारी चीजें बताता हूं। सो गाइस, ये रहा हमारा आइवा ESBT 460 का बॉक्स जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो इनकी बॉक्स पैकेजिंग है वो काफी ज्यादा प्रीमियम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी सॉलिड बॉक्स पैकेजिंग के साथ में आती है। और इस प्राइस पॉइंट में मैंने अभी तक ऐसा कोई नेकबैंड या फिर ईयरफोन्स नहीं देखा जिसकी जो बॉक्स पैकेजिंग है वो इतनी सॉलिड हो, इतनी प्रीमियम टाइप की आपको यहाँ पे बॉक्स पैकेजिंग देखने मिले। वेल, सबसे पहले बॉक्स पे आपको यहाँ पे आइवा का ब्रांडिंग देखने मिल जाएगा, ब्लूटूथ 5.0 आपको इसमें देखने मिलता है, साथ में जो नेकबैंड है हमारा उसका फोटो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, कॉर्ड ड्राइवर्स है, हाइपर बेस है और साथ में आपको यहाँ पे माइक्रोफोन देखने मिल जाता है कॉलिंग के लिए और साथ में मेमोरी कार्ड का भी स्लॉट आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला इस वीडियो में। और अगर बात करूँ इस साइड की तो यहाँ पे भी आपको सेम सारे फीचर्स मेंशन किए गए हैं, बैक साइड में भी आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स देखने मिल जाएंगे। और जो बॉक्स पैकेजिंग है वो काफी ज्यादा प्रीमियम है जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। और इसे ओपन करने के लिए आपको सिंपली इस वाले पार्ट को इस तरीके से खोलना है और ये मैग्नेटिक पार्ट है तो यहाँ पे ये चिपक जाता है। एंड यस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अंदर भी आपको वहाँ पे ईयरफोन्स का जो फोटो है वो बना हुआ दिखाई दे देगा। और इसके अलावा बॉक्स पैकेजिंग यार काफ़ी ज़्यादा सही है, ये एक टॉप में आपको पेपर देखने मिल जाता है। वेल, इसके अंदर हमारा नेक बैंड जिसके आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, और यस, इसके अंदर एक और बॉक्स है तो इसे सबसे पहले यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये है एक्सेसरीज वाला बॉक्स जिसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो सारे यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ फटाफट में। सो गाइस, अब आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन साथ में वारंटी कार्ड देखने मिल जाता है, 1 ईयर की वारंटी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी इस ईयरफोन्स के साथ में। और साथ में आपको यहाँ पे एक पाउच देखने मिलता है जिसकी जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा सही लग रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मुझे यहाँ पे अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है, जो बॉक्स पैकेजिंग वाला एक्सपीरियंस है वो मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा सही लगा। ऐसी बॉक्स पैकेजिंग और ऐसे एक्सेसरीज मैंने अभी तक इस प्राइस रेंज के किसी ईयरफोन या फिर नेक बैंड में अभी तक नहीं देखे। इसके अलावा आपको यहाँ पे दो अलग अलग साइज में ईयर कप्स देखने मिल जाएंगे बॉक्स के अंदर और जो इनकी भी क्वालिटी काफी ज्यादा सही लग रही है, रेड कलर का एक्सेंट काफी ज्यादा सही लग रहा है इन ईयर कप्स में। सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे एक चार्जिंग केबल देखने मिलता है और जो इसकी लेंथ है वो काफी ज्यादा लंबी है, काफी ज्यादा सही है। नॉर्मली आपको काफी छोटे से जो चार्जिंग केबल है वो देखने मिलते हैं ईयरबड्स के साथ में, लेकिन ये काफी ज्यादा लंबा है, साथ में काफी ज्यादा सॉलिड भी है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। थ्रेडिंग वाली आपको यहाँ पे फिनिशिंग देखने मिल जाती है और ये जल्दी खराब भी नहीं होते हैं। वेल, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे बॉक्स कंटेंट देखने मिल जाता है और बॉक्स पैकेजिंग काफी ज्यादा सही थी। वेल, इन सभी चीजों को रखते हैं साइड में और बात करते हैं हमारे मेन नेक बैंड की। तो सबसे पहले अगर बात करें उसके डिजाइन की, तो नॉर्मली जैसे नेक बैंड आते हैं वैसे ही आपको ये देखने मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे बॉटम साइड में आपको दोनों तरफ थोड़े थोड़े मोटे से पार्ट देखने मिलते हैं जहां पे आपको फंक्शंस देखने मिल जाते हैं बहुत सारे, जिसके बारे में आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर बात करूं यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो प्राइस के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी मुझे यहाँ पे अच्छी लग रही है, लेकिन जो यहाँ पे ईयरफोन्स के वायर्स है वो थोड़े से पतले लगे मुझे और अगर ये थोड़े से मोटे या फिर स्ट्रॉन्ग होते तो ये और भी बेटर हो सकता था। इसके अलावा अगर बात करूं यहाँ पे इनके ईयरबड्स की, तो डुअल ड्राइवर्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट वाला आपको यहाँ पे डिजाइन देखने मिल जाएगा जो कि दिखने में काफी अच्छा लगता है। और अगर बात करूं यहाँ पे कानों में फिटिंग की, तो कानों में काफी अच्छे से फिट हो जाते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इवन डो डुअल ड्राइवर्स होने के बाद भी, थोड़ा सा साइज बड़ा होने के बाद भी ये कानों में काफी अच्छे से आ जाता है जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। और आपके गले पे कुछ इस तरीके का ये दिखाई देगा जब आप इसे पहनेंगे। और वहीं पर अगर बात करूं इसके वेट की, तो ये बहुत ज्यादा हैवी नहीं, बहुत लाइट वेट है
और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने नेक बैंड अपने गले में लगाया हुआ है, और जब भी आप इसे यूज ना करना चाहे तो आप इसे निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से नॉर्मली, जैसे कि सारे नेक बैंड में होता ही है। वहीं पे अगर नेक बैंड के बॉटम साइड की बात करूं दोनों साइड की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइड में आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है आईवर्क की ब्रांडिंग और मैट फिनिश आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, जो कि दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। और इसी के साथ में लेफ्ट एंड राइट का इंडिकेशन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा और ये वाला पार्ट फुल्ली प्लेन है। और अगर बात करूं यहाँ पे लेफ्ट वाले साइड की, तो यहाँ पे आपको सारे फंक्शन देखने मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन देखने मिल जाता है, इसी के साथ में वॉल्यूम अप डाउन का बटन देखने मिल जाएगा, माइक और साथ में एलईडी लाइट्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, और इसी के साथ में आपको यहाँ पे मेमोरी कार्ड का स्लॉट देखने मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एक मेमोरी कार्ड है तो आपके नेक बैंड में सिर्फ चार्जिंग होना चाहिए और आपको स्मार्टफोन की जरूरत नहीं, आपको सिंपली इसमें मेमोरी कार्ड लगाना है और आप डायरेक्टली यहाँ पे मेमोरी कार्ड के थ्रू म्यूजिक को एंजॉय कर पाएंगे। और वहीं पे बॉटम में आपको चार्जिंग पोर्ट देखने मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप इस नेक बैंड ईयरफोन्स को चार्ज कर पाएंगे। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो डिजाइन तो यहाँ पे अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया है, लेकिन जो इसका वायर है वो थोड़ा सा और मोटा या फिर स्ट्रॉन्ग होता तो ये और भी अच्छी बात होती। लेकिन अगर बात करूं यहाँ पे ओवरऑल इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो प्राइस के हिसाब से जो इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी वो मुझे यहाँ पे अच्छी लगी। जो ये नेक बैंड ईयरफोन्स है उसके लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे वाइब्रेशन मोटर देखने मिल जाता है और ये वाइब्रेट होता है, काफी स्ट्रॉन्गली वाइब्रेट होता है। जब भी आपको यहाँ पे कोई कॉल वगैरह आता है या फिर नोटिफिकेशन आता है तो ये वाइब्रेट होने लगता है। सो ये वाला फीचर मुझे यहाँ पे कॉलिंग के हिसाब से काफी सही लगा, क्योंकि नॉर्मली जो नेक बैंड आते हैं उनमें आपको ये सारे फीचर्स देखने नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉलिंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है तो ये वाला फीचर आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। और गाइस इसी के साथ में जो नेक बैंड है वहां पे आप इसके वायर के लेंथ को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आपको ये लंबा चाहिए तो आप इसे ओपन कर सकते हैं और आपको जो लेंथ है वो काफी लंबा मिल जाएगा, और इसी के साथ में अगर आपको ये छोटा चाहिए तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इन सब के अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके कॉल क्वालिटी और माइक टेस्ट की, तो कॉलिंग के लिए काफी अच्छा है, मैंने इसे यहाँ पे यूज किया और कॉलिंग काफी अच्छे से हो जाती है। जो साउंड क्वालिटी है वो आपको एज इट इज जैसा स्मार्टफोन में देखने मिलता है, सेम उस लेवल की क्लैरिटी आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। सो कॉलिंग मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसका एक माइक टेस्ट करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा जो इसका माइक का क्वालिटी है वो कैसा है और कॉलिंग के टाइम में आपको किस तरीके का ऑडियो एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। सो गाइस अभी जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है डायरेक्टली हो रहा है इसके माइक्रोफोन के थ्रू, और जब भी आप इस नेक बैंड ईयरफोन्स को यूज करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे ऑडियो एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। जब भी आप कॉल वगैरह करेंगे कुछ इस तरह का क्लैरिटी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। सो होपफुली आप सभी को अंदाजा हो गया होगा कि जो इसके माइक की क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे किस तरीके की देखने मिलती है, और आप लोग कॉमेंट करके बताना कि आपको जो ओवरऑल इसकी माइक की क्वालिटी लग रही है, कॉल क्वालिटी लग रही है वो कैसी लग रही है। और गाइस इसी के साथ में ये जो नेक बैंड ईयरफोन्स है वो कंपैटिबल है एंड्रॉइड प्लस iOS यानी आईफोन के साथ में भी, और साथ में विंडोज पीसी लैपटॉप जहां पे भी आपको ब्लूटूथ देखने मिल जाए उसके साथ में कनेक्ट हो जाता है इजिली। ब्लूटूथ 5.0 आपको यहां पे वर्जन देखने मिल जाता है, तो जो कनेक्टिविटी वो भी अच्छी खासी देखने मिल जाती है, 8 से 10 मीटर का आपको यहां पे रेंज देखने मिल जाता है कनेक्टिविटी के लिए। और अब बात कर लेते हैं यहां पे इसकी साउंड क्वालिटी की, सब कुछ अच्छी है लेकिन जो इसकी साउंड क्वालिटी वो कैसी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 8mm का आपको यहां पे डायनेमिक ड्राइवर्स देखने मिल जाता है और डुअल ड्राइवर्स के साथ में ये आता है, और डुअल ड्राइवर्स का फायदा ये होता है जो बेस और ट्रेबल से वो आपको यहां पे काफी क्लियरली और काफी अच्छे से सुनाई देते हैं। और अगर बात करूं यहां पे इसके साउंड क्वालिटी की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाउडनेस है वो आपको यहां पे अच्छा देखने मिल जाता है, बहुत ज्यादा हाई नहीं और बहुत ज्यादा लो नहीं है। अगर आप आउटडोर में भी सुन रहे हैं इसे तो आपको यहां पे अच्छा खासा लाउडनेस देखने मिल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। इवन आप बाइक वगैरह चला रहे हैं और कॉलिंग कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और उसके अलावा अगर बात करूं यहां पे क्लैरिटी की, तो क्लैरिटी भी अच्छी है। बेस एंड ट्रेबल्स अगर बात करूं बेस की, तो बेस बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बैलेंस है, और जो ट्रेबल्स है वो भी आपको यहां पे अच्छा देखने मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात करूं यहां पे इसके लो मिड्स हाई की, तो सभी को ये अच्छे से मैनेज कर लेता है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहां पे इसके साउंड क्वालिटी की, तो प्राइस के हिसाब से जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो अच्छी है, बेस बैलेंस है, लेकिन जो ओवरऑल साउंड क्वालिटी वो आपको यहां पे अच्छी देखने मिलती है। और अगर आप म्यूजिक वगैरह सुनते हैं और अगर आप वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जिम जाते हैं या फिर ट्रैवलिंग करते टाइम या फिर ट्रैकिंग करते टाइम आपको एक नेक बैंड की जरूरत है जहां पे आपको म्यूजिक क्वालिटी अच्छी मिले साथ में कॉल क्वालिटी अच्छी मिले, तो डेफिनेटली उस मामले में जो ये नेक बैंड ईयरफोन से वो आपको यहां पे निराश नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप यहां पे गेमिंग के लिए इस नेक बैंड ईयरफोन्स को यूज करना चाहते हैं तो ये आप यहां पे नॉर्मल गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जहां पे बात आ जाती है मल्टीप्लेयर गेम्स की, तो वहां पे आपको थोड़ी सी लेटेंसी फील होगी, क्योंकि यहां पे आपको कोई भी डेडिकेटेड गेमिंग मोड देखने नहीं मिलता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नॉर्मल गेमिंग तो आप इसे कर लीजिए, लेकिन अगर आप BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर ऐसे गेम्स खेलते हैं तो डेफिनेटली वहां पे आपको एक वायर्ड ईयरफोन्स की तरफ जाना चाहिए या फिर ऐसे नेक बैंड या फिर TWS की तरफ जाना चाहिए जो गेमिंग मोड के साथ में आते हैं। और गाइस अब अगर बात करूं यहां पे इसके बैटरी लाइफ की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने मिल जाता है, यानी 2 आवर्स में फुल्ली चार्ज हो जाता है 0 to 100%। अगर बात करूं इसके बैटरी लाइफ की, तो सिंगल चार्ज में आपको यहां पे अराउंड 14 टू 15 आवर्स का बैटरी लाइफ देखने मिल जाता है कंटिन्यूस यूजर्स में। और अगर आपका यूजर्स मिक्स है तो आपको यहां पे आराम से 2 से 3 दिन का बैटरी लाइफ देखने मिल जाएगा। अगर आप कॉल वगैरह ही ले रहे हैं तो 2 दिन का आराम से आपको यहां पे बैटरी लाइफ देखने मिल जाएगा सिंगल चार्ज में। और वहीं पर अगर बात करूं प्राइस एंड अवेलेबिलिटी के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नेक बैंड ईयरफोन है वो अवेलेबल है Amazon पे, और इसका डायरेक्ट बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप इसे डायरेक्टली बाय कर पाएंगे।
पाएंगे। और अगर बात करें उसकी प्राइसिंग की, तो प्राइस काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी 1500, 1600, 1800 रुपए, कभी 2000 या फिर उससे ऊपर भी चला जाता है। लेकिन जो इसकी रेगुलर प्राइस है वो है 2000 रुपीज 1999 में, ये आपको अमेजोन पे देखने मिल जाएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड है इस नेकबैंड ईयरफोन्स को बाय करने में, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। और गाइस सबसे लास्ट में अगर बात करूं इस नेकबैंड ईयरफोन्स के गिव अवे के रूल्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको यहां पे इस वीडियो को लाइक करना है, और लाइक टारगेट यहां पे 500 लाइक्स का। तो मेक श्योर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइक बढ़े और 500 लाइक्स जल्दी कंप्लीट हो जाए। और जिसका गिव अवे का रिजल्ट है वो 500 लाइक्स कंप्लीट होने के बाद ही अनाउंस करूंगा, तो मेक श्योर लाइक आप यहां पे बढ़ा दीजिए इसके। और इसके बाद में आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आने वाले वीडियोस की। और इसके बाद में आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है इस नेकबैंड ईयरफोन्स को लेके, कि आपको ये नेकबैंड ईयरफोन्स कैसा लगा, अच्छा बुरा, जैसा भी आपको ये नेकबैंड ईयरफोन्स लगा हो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और सबसे लास्ट में आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना है, क्योंकि जो इस नेकबैंड ईयरफोन्स का रिजल्ट है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे अनाउंस करूंगा, तो मेक श्योर वहां पे फॉलो कर लीजिए। और इन सभी रूल्स को फॉलो करने के साथ साथ आप यहां पे पार्टिसिपेट कर जाएंगे इस गिव अवे में और एंटर कर जाएंगे इस गिव अवे में। और जैसे इसके 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं इसका जो गिव अवे का रिजल्ट है वो इंस्टाग्राम पे आके अनाउंस कर दूंगा, और आप में से कोई एक लकी विनर जीत पाएगा इस प्रीमियम नेकबैंड ईयरफोन्स को। तो मेक श्योर सभी रूल्स को फॉलो कर लेना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूं ऐसे कौन है वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।